I love you. I love you, you love me. मैंने वाल तक तेरा जानता है कि I love you, you love me. साढ़े वाल तक तेरा जानता है कि हाँ तो भैया सबके वेलकम है हो गया सबका हमारे चैनल फनरेड भाषा पे। दोस्तों यार एक शोहर ने अपनी बीवी को कहा कि मुझे देखकर तो आज भी लड़कियां मुस्कुराती हैं। बीवी ने उसे जवाब दिया ते होर की मैं जदो तानू पहली बार वेख्या सी ते मेरा अपना हासा निकल गया सी। और वैसे यार आपस की बात है कि हम पाकिस्तानी दुनिया की जहीन तरीन कौम है, सिर्फ हाथ में खारिश होने से ही बता देते हैं कि आज पैसे मिलने वाले हैं। तो बहरहाल दोस्तों मोस्ट फनी वीडियोस ऑन इंटरनेट की सीरीज के पार्ट 96 में भी हम आप लोगों के लिए इंटरनेट की दुनिया से चुन चुनकर कुछ ऐसी मजाया वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखने के बाद जरूर आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और दुल्हनों आप तो इस राज से वाकिफ होना, अपना मुंह देखना और आप भी हैरान होना। तो इस वीडियो को आपने जरूर से एंड तक देखना है, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो दोस्तों हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में जरा आप लोग इन मैडम जी को देखें कि जिन्हें इस जगह पर गुस्सा करना तो कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ जाता है। और ये मैडम जी इस जगह पर मजे से कश्ती में बैठी हुई होती हैं, लेकिन फिर ये सोचती हैं कि क्यों ना खड़े होकर कैमरे में हाथ हिलाया जाए, लेकिन जरा आप लोग देखें कि ये तो कैमरे में पूरा ही हिल जाती हैं। और वैसे यार इस लड़के के पियानो बजाने के तो क्या ही कहने। और इस जगह पर जरा आप लोग देखें कि इस बंदे के साथ इसका दोस्त जो प्रैंक करता है भाई भाई साहब तो पूरे ही हिल जाते हैं। वैसे यार जरा आप लोग स्लो मोशन में ये रिएक्शन चेक करो। खत्म। और अब जरा आप लोग देखें कि इंटरव्यू के दौरान ये लड़का तो इन मैडम जी को कुछ ज्यादा ही शो वाला पॉइंट मार देता है। अगर मेरे घर वाले आपसे मेरी शादी करवा दे तो आप करोगे? नहीं नहीं मैंने पहले कहा ना मुझे गंदी चीजों का शौक ही नहीं है। और दोस्तों इस जगह पर जरा आप लोग इन मौलवी साहब के काम भी चेक कर रहे हैं। किधर जा रहा हूँ मैं? तो इधर जा रहा हूँ। मैं उधर जा रहा हूँ। और वही जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल स्टूडेंट्स के बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, तो उसी पर जरा आप लोग ये फनी मीम भी चेक करें कि मैं उर्दू के पेपर में खुद से तशरीह करते हुए और दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जरा आप लोग इन चाचा जी के हाथों को गौर से देखिएगा भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही फॉर्म में चल रहे हैं। कौन है ये लोग? और ये जनाब अपनी लाइफ में पहली बार आज इंसान के बच्चों के साथ आए हैं, तो जरा आप लोग इन कट्टे भाई साहब की बात भी सुने। आया वैसे मैं हैदराबाद से आया हूँ, हैदराबाद में काली मोरी है ना, वहाँ पे मैं भैंसों के साथ नहाता था, लेकिन आज यहाँ इंसान के बच्चों के साथ नहा के बड़ी खुशी महसूस हो रही है मुझे। और कैमरे को देखने के बाद ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो जाता है, तो देखे फिर कैमरे में स्मार्ट बॉय बनने के चक्कर में ये अपने खुद के साथ क्या सीन लगवाता है। और अब जरा आप लोग इस लड़के की हरकतें भी चेक करें जो कि जबरदस्ती इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है। भाई मैं इस लड़के से कहना चाहूंगा कि जब आपको इंग्लिश सही तरीके से बोलने नहीं आती तो आप सोशल मीडिया पर आकर इंग्लिश बोलने की फनकारियां क्यों कर रहे हो? हाय फ्रेंड, मैं बॉम्बे आया था पीजू भाई को मिलने के। पीजू भाई तो मिले नहीं, पर नेक्स्ट टाइम इस बॉम्बे सेंट्रल इस ऑन कमिंग दिस बॉम्बे सेंट्रल इस नेक्स्ट टाइम इस गेट लक इज द नेक्स्ट टाइम इस। अरे कहना क्या चाहते हो? और ये जनाब कोशिश तो पूरी करते हैं कि ये इस तरह का केस पकड़ ले, लेकिन जरा आप लोग देखें कि इनके साथ क्या सीन होता है। और इस जगह पर जरा आप लोग इस गोल कीपर के काम भी चेक करें जो कि इस गोल को रोकने के लिए क्या तरीका आजमाता है। मैं
और जो बॉलर बोल कराकर तीनों गिल्लियों को उड़ा दे उसे खतरनाक बॉलर कहा जाता है, लेकिन जो बैट्समैन शॉट मारकर तीनों स्टंप्स को उड़ा दे उसे आप क्या कहेंगे? और अब जरा आप लोग शादी में आए हुए इस लड़के को भी देखें, जो कि अपनी नजर को शिकार पर जमा कर आखिरकार उसे हासिल कर ही लेता है। और स्टेज पर होने वाली सिंगिंग को सुनने के बाद इन आंटी जी के भी अंदर का डांसर बाहर आ जाता है, तो देखे फिर ये भी पहुंच जाती हैं स्टेज पर। और अपनी चीजों को बेचने के लिए ये दुकान वाला जिस तरह से आवाज लगाता है, भाई जरा आप सामने खड़े हुए इन लोगों को देखें जो के कांप ही जाते हैं। और जब किसी फुटबॉलर को क्रिकेट के मैच में खिला दिया जाए, ले फिर उसकी हरकतें। और शादी के दौरान इस जगह पर जब पैसे लुटाए जाते हैं, तो जरा आप लोग इस बंदे के काम भी चेक करें कि जिसने शायद ये वाली बात सुन ली थी कि डोंट वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट। और इस जगह पर दूल्हा दुल्हन की एंट्री के दौरान सब लोग इनकी वीडियो बना रहे होते हैं, तो ये आंटी जी भी कैमरा खोलकर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन फिर साथ खड़ी हुई आंटी इन्हें बताती हैं कि बटन भी दबाना होता है। और ये लोग समंदर में चल रही इस शिप के ऊपर बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन जरा आप लोग देखें कि इनकी बॉल के साथ क्या सीन हो जाता है। खत्म गया। और दोस्तों इस जगह पर जरा आप लोग इन भाई साहब को खाना डालता हुआ भी देखें। और ये लड़कियां इस जगह पर स्नैप बना रही होती हैं कि आखिर ये लोग आज आइसक्रीम खाने के लिए आ ही गई, लेकिन जरा आप लोग ये देखें। जिस तरह की इस बंदे की हरकतें हैं, भाई अगर इसकी रेल में लड़ाई होगी तो सामने वाले से लाते मुके कराकर चला भी जाएगा और ये उसे पंचेस की हवा ही पहुंचाता रहेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सके।